हर महीने करोड़ों मोबाइल्स ठीक किए जा रहे हैं, कुछ कंपनी में रिपेयर हो रहे हैं, कुछ बाहर रिपेयर हो रहे हैं। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और क्या इसकी डिमांड कभी कम होने वाली है? यस और नो? बढ़ेगी। मोबाइल रिपेयरिंग का एक छोटा सा कोर्स है, 5-6 महीने का। अगर वो आप करते हो और जा करके अपनी एक ऐसी शॉप खोलते हो जहां पर आप लोएस्ट प्राइस गारंटी देते हो, तो क्या लोग आपके पास आएंगे या नहीं आएंगे? हाँ, अगर ईमानदारी से करो तो। चलो अपने आप को भी छोड़ो, इसको दूसरे एंगल से देखो। आपका मोबाइल खराब होता है, आप 2-3 जगह जरूर जाओगे पता करने के लिए कि कौन सबसे कम पैसे बता रहा है। कंपनी में भी पता करोगे और भी 2-3 लोगों से पता करोगे। कोई आदमी आपके साथ बेईमानी करता है, यानी कि आपको मिसगाइड करता है। उसमें है छोटी सी प्रॉब्लम, लेकिन आपको बोलता है नहीं इसमें यह है, यह है, यह है, और आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। दूसरी तरफ से कोई ऐसा आदमी है जिसके पास आप जाते हो और वो सच बोल देता है कि यार इसमें कुछ नहीं है, छोटी सी चीज़ है, छोटा सा पार्ट है, मैं डालूंगा और ये जो मैं काम करूंगा उसका मेरे को रीजनेबल सा अमाउंट चाहिए, 200 रुपये भी बहुत है। वो आपसे लेता है और पार्ट के 20 रुपये लेता है और आपको बताता है कि देखो ये 20 रुपये का पार्ट है, मैंने डाल दिया। आप उसके पास दोबारा जाओगे या नहीं जाओगे? देखो कितना सिंपल है। घर में आप किसी का भी मोबाइल खराब होगा तो आप उस बंदे के पास जाओगे। इसको बोलते हैं सच की ताकत, जो मैंने अपने लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार में बोला था ना। बेईमानी की ताकत से बहुत बड़ी है सच की ताकत, अगर लोगों को समझ आ जाए तो। क्योंकि आप सच सुनना चाहते हो तो जो आपके पास लोग आने वाले हैं वो भी सच सुनना चाहते हैं। ये बात हमको समझ क्यों नहीं आती है? आपको बेईमान आदमी पसंद नहीं है, तो अगर आप खुद बेईमान बन गए तो आपको कोई कैसे पसंद करेगा? है कि नहीं? देख रहे हो? इस तरह से अगर आप एक मोबाइल की शॉप खोलते हो और वहां पर रिपेयर करते हो शुरू में, इसको भी ध्यान से समझ लेना क्या होता है। लोग एक ईगो ट्रिप में फंसे रहते हैं। ये जो हमारी ईगो है ना, ये बड़े उल्टे सीधे काम हमसे करवाती है। ईगो क्या कहेगी? अरे मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, मैं मोबाइल रिपेयर करूंगा। अबे क्या है तू? क्या है तू? डिग्री ले ली है बैचलर्स की, मास्टर्स की, और अनएम्प्लॉयड धक्के खा रहा है इधर उधर, क्या है तू? ये अपने आप से सच बोलना है, मैं नहीं बोल रहा आपको, आपने अपने आप को बोलना है शीशे में देख करके। अरे क्या है तू? क्या हो गया? कोई काम छोटा बड़ा होता है क्या? क्या मोबाइल रिपेयर? लेकिन विजन क्या रखनी है? देखो काम बढ़ता कैसे है इसको समझते चले जाना। आपने शुरुआत किससे करी? खुद मोबाइल रिपेयर करने से। वो आपने कैसे सीखा? एक छोटा सा कोर्स करके, सिर्फ 6 महीने का, और ईमानदारी से काम किया, सच को पकड़ करके रखा, बिल्कुल क्लियर बता दिया कि मैं अपने इतने पैसे लूंगा जो भी आप फिक्स करोगे, टाइम के हिसाब से कि इस काम में कितना टाइम लगने वाला है। कुछ ऐसा किया जो पूरे इंडिया में कोई नहीं कर रहा, छोटे से स्केल पे। क्या किया? अपनी दुकान पे लिख करके लगा दिया, दिस इज दी ओनली शॉप इन इंडिया जहां पे 100% ट्रांसपेरेंसी है, आपके सामने आपका मोबाइल ठीक होगा, जितना टाइम लगेगा उसके हिसाब से आपको पैसे देने हैं। 15 मिनट लगे 200 रुपये देने हैं, आधा घंटा लगा 400 रुपये देने हैं, 1 घंटा लगा 800 रुपये देने हैं, और आपके सामने स्पेयर पार्ट्स डलेंगे। स्पेयर पार्ट कितने का है वो मैं आपको बता दूंगा, उसमें मेरा कोई मार्जिन नहीं है। है ना मजेदार? ये स्पेयर पार्ट, यही अगर आप जा करके उस दुकान वाले से डलवाओगे, इस स्पेयर पार्ट के नाम पे वो आपसे 2000 रुपये लेगा। मुझे इसकी कॉस्ट आती है 500 रुपये, मैं आपसे लूंगा 500 रुपये। स्पेयर पार्ट को डालने में मुझे लगेगा आधा घंटा, मैं लूंगा 400 रुपये, और मैं लेकर के आ रहा हूं उस मार्केट से। आपको जाना है तो जाकर के पता कर लो, मैं बता दूंगा कहां से लेता हूं मैं अपने स्पेयर पार्ट। आ गई ना ईमानदारी की हद? ऐसी कोई दुकान आपको मिल जाए अपने एरिया में, क्या होगा? मजा आएगा या नहीं आएगा? जब आपको मजा आएगा मेरे भाई, तो बाकी लोगों को क्यों नहीं आएगा? दूर दूर से लोग आएंगे आपके पास में, और दिन में कितना कमा सकते हो कोई लिमिट है क्या? मान लो 400 रुपये भी आपने एक कस्टमर से ऑन एन एवरेज कमाया, दिन में ज्यादा नहीं कहता, एक दिन में 10 कस्टमर भी आपके पास में आए, एक दिन का कितना कमाया? 4000 रुपये। महीने का कितना कमाया? 1,20,000 रुपये। उसमें से 20-30 हजार के खर्चे अलग कर दो, कितना कमाया? 1,00,000 रुपये। 80,000 रुपये, 90,000 रुपये, और खर्चे हटा दो, लाइट वाइट ये वो अटरम शटरम जितना भी और ऊपर का आपका खर्चा,
70,000-80,000 रुपये कम होता है क्या? किया क्या इसके लिए? समझदारी, स्मार्ट वर्क, इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क, ना कि हार्ड वर्क। आप एक लेवल पे पहुंच गए जहां पर जाकर के आप 50,000 से 1,00,000 रुपए महीने का कमा रहे हो, 2,00,000 पे जाना है तो कैसे जाओगे? आपके पास टाइम तो लिमिटेड है ना। लोग यहां पे जाके स्टक हो जाते हैं, वो क्या बोलते हैं कि मैं बिजी हो गया हूं, मेरे पास में टाइम नहीं है, मेरे पास सांस लेने की फुर्सत नहीं है। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है? इमीडिएटली अपने साथ में टीम बनानी है और लोगों की जिनको जॉब की जरूरत है। धीरे धीरे आपकी टीम बनने लग जाएगी लोगों की। आपके साथ में शुरू में सिर्फ एक आदमी जुड़ेगा, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच। आज एक शॉप है, कल दूसरी शॉप खुलेगी, फिर तीसरी शॉप खुलेगी, चौथी शॉप, पांचवी शॉप। और जब इन सबको आप मिला दोगे और यहां से जब पैसा आ रहा होगा तो आपकी खुद की फट जाएगी, हो क्या रहा है। इसको बिजनेस बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड बिजनेस सीक्रेट्स। और इस काम से रिलेटेड आप क्या क्या कर सकते हो, कोई लिमिट है? आप रिपेयर में एक्सपर्ट हो गए, खुद मोबाइल रिपेयर करने में एक्सपर्ट हो गए, मतलब शुरू में आपने टीम नहीं बनाई, नहीं तो वो लोग आपको बेवकूफ बना सकते हैं। मैंने किससे शुरुआत करी अपने करियर की? कैमरे से, खुद ले ले करके घूमा कई सालों तक, तो आज कोई फोटोग्राफर मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता। बहुत सारे हमारे कॉम्पिटिटर्स आए इस फील्ड में जिनके पास में बहुत बड़ी फंडिंग थी। मेरी शुरुआत कहां से हुई? 12,000 रुपए के कैमरे से। वो आए हमसे कॉम्पीट करने के लिए, बड़े बड़े ग्रुप्स में, उनका नाम नहीं लूंगा, सब फेल हो गए, बंद हो गई उनकी कंपनी। क्यों? क्योंकि जो आदमी टॉप पे बैठा था उसको बॉटम के काम के बारे में ABCD भी नहीं पता, उसको पता ही नहीं फोटोग्राफी होती क्या है। उन कंपनीज का CEO है लेकिन उसको ABCD भी नहीं पता कि ये काम होता कैसे है। आज मेरे साथ में क्या है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, हमारी कंपनी में ऐसा कोई काम नहीं है जो मैंने खुद अपने हाथ से ना किया हो। ऐसी सोच बना, जिंदगी जीने का मजा आएगा। अगर अंदर से आपको मेरी बातें समझ आ पा रही हैं तो, समझ नहीं आ रही है करो जो करना है, कौन रोक रहा है, वैसे भी करोगे। देखो मैं बता देता हूं, ये भी आपको एक नुस्खा बता देता हूं कि किसके लिए रास्ता है और किसके लिए नहीं है। सबके लिए नहीं है। टिपिकल लैंग्वेज में बोलूं, अपनी इंडियन लैंग्वेज में, आप में से कितने लोग हैं जो बहुत जुगाड़ू हैं, जो कुछ भी जुगाड़ करके काम को कर देते हैं बस किसी तरीके से? हाँ, तो आप सबके लिए रास्ता है। स्मार्ट वर्क तो इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? जुगाड़। आपको समझ आना चाहिए कि मैं कैसे करूं। बिजनेस में हर पॉइंट पे जाकर के आप फंसोगे तो आपको पता होना चाहिए मैं निकल जाऊंगा यहां से, यहां पे जाके फंसा फिर निकल गया, फिर यहां पे फंसा फिर निकल गया। जो लोग ऐसे चलने वाले हैं सीधा 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 एक लाइन में, उनके लिए नहीं, उसमें कोई बुराई नहीं। मैं उनको ये नहीं कह रहा कि वो बुरा है या कुछ भी है, मैं बस ये बता रहा हूं ये सेशन हो किसके लिए रहा है। हर सेशन हर एक के लिए नहीं हो सकता ना, ये मेडिटेशन सेशन तो है नहीं, तो ये किसके लिए है? ये जुगाड़ू लोगों के लिए। इन सिंपल वर्ड्स, ऐसा दिमाग होना चाहिए जो बंद ना हो, जो हर डायरेक्शन में सोच सके, जो आकर के मुझसे ये सवाल ना पूछे कि सर आपने अपने इस सेशन में ये बोला है, आपने इस सेशन में ये बोला है, तो ये सही है या ये सही है?